الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في مقام آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراد والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جیسا کہ ہمارے ساتھی اس عاجز کے تعارف میں یہ فرمایا کہ اکثر میں سفر میں رہتا ہوں، میری صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، جب بھی سفر میں جاتا ہوں تو مجھے کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. میرا کھانا پینا بہت سادہ، رہنے کا بھی ٹینشن نہیں مجھے. ایک تکیہ، ایک خاصر، ایک برشیٹ دیتی ہے، جہاں سویا انشاءاللہ نیند آ جاتی ہے. لیکن سفر میں گیا تو ٹینشن مجھے مائک کا ہوتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو میرے ساتھ آتا ہے وہ مائک ہی کا آتا ہے. مرکز ہے، مسجد شاندار ہے، لیکن مائک ایسا ہے، شاید یہ سسٹم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہے.
अल्लाह का घर है तो इसकी हर चीज़ उम्दा होना चाहिए। सादी सीधी रखो लेकिन अच्छी रखो। जिस दौर में जो ज़रूरत थी वो दौर में वो ज़रूरत, इस दौर में मसाजिद की ज़रूरत में एक माइक भी दाखिल है तो ये माइक सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मस्जिदों के माइक से कुरान की आवाज़ जाती है, मस्जिदों के माइक से अजान की आवाज़ जाती है, दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च भी हो जाए तो ये सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, वरना मस्जिद के ज़िम्मेदारों को माइक के मुतालिक भी अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। हमारे घर की कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं और अल्लाह के घर की चीज़ जैसी हो वैसी। सच कहता हूँ, मैं अभी उन्वान शुरू नहीं किया, शुरू की बातें अर्ज कर रहा हूँ। मैं भी आपका हूँ, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं बोले तो क्या अंकल बोलेंगे? हाँ, फ़र्क ये है, आपके गांव का च नहीं, हर गांव का ये चाल है। उसी मस्जिद के इमाम साहब बोले तो कमेटी वाले बोलते हैं कितना काम है कि उतना कर ले को जाओ बोलकर, बाहर वाले बोलल को उन्हों जाते चले जाते। आज कर्नाटक में एक बहुत बड़ा जुल्म चल रहा है हम पर, वो है अजानों पर पाबंदी। शायद आपके यहाँ होती होंगी अजान, तो होती है लेकिन माइक में नहीं होती, कम आवाज़ में होती है, फजर में तो होती चली अजान होती। दुनिया में फिर से फिरौन उठकर भी आ जाए इंशाअल्लाह हमारी अजानें बंद नहीं होंगी। अजान हो रही है, अब तो हाल ऐसा है कि मस्जिद ही में सिर्फ अजान होती थी, फजर की अजान अब ना होने की वजह से मुसलमानों के घरों में भी फजर में अजान शुरू हो गई है। जिन घरों में फजर की नमाज की पाबंदी चल रही है, अजान की आवाज उन घरों में ना आने की वजह से उन घरों के मर्द हजरात अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में अजान शुरू किए हैं फजर की। इनको छेड़ना आता और ये जितना इस्लाम को छेड़ते हैं अल्लाह का करम इस्लाम उतना ही आगे बढ़ रहा है। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा तुम लगा भी बोल डालो ना सुभान अल्लाह। नहीं बोले से भी सही समझ में आया नहीं है क्या बोल रही है हजरत बोलकर। आगे का शेर आ जाए तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा,
नाम वपादा है, काटो तो हरा होगा। ये जितना छेड़ रहे हैं इस्लाम उतना ही तेजी से उभर रहा है। कुरान को बंद करने की कोशिशें सारी दुनिया में, कुरान जितनी तेजी से फैल रहा है, रब्बे काबा की कसम किसी धर्म की कोई किताब इतनी तेजी से न फैली न फैलेगी। कुरान को जलाया गया, कुरान बाकी, कुरान को बदला गया, कुरान की सेहत बाकी, कुरान पर पाबंदियां आयद करे। ऐसा वक्त भी जमीन में आया कि कुरान पढ़ोगे तो फांसी लगा दी जाएगी। अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत सादी सीधी खबरों के अंदर कराया। मस्जिदों पर पाबंदी जितनी तेजी के साथ रुए जमीन में मस्जिदों की तामीर हो रही है, किसी धर्म का कोई इबादत खाना बन रहा है? मदरसों पर पाबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बाकी हैं कि नहीं है? ये सब क्यों हो रहा है? रब्बे काबा की कसम इस दीन का मुहाफिज कोई इंसान नहीं, कायनात का खालिक है। दीन का मुहाफिज अल्लाह, कुरान का मुहाफिज अल्लाह, शरीयत का मुहाफिज अल्लाह, अहकामात का मुहाफिज अल्लाह। बस हमना करना क्या, दीन की हिफाजत करना नहीं, दीन पर अमल करना। अल्लाह यही फरमाता है, मेरे बंदे हिफाजत मैं करूंगा, अमल तू कर। अमल मुझे करना नहीं है, हिफाजत तुझे करना नहीं है। ये छेड़ते तेजी से, तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है सारी दुनिया में। खाली मुकदमा पेश कर रहा हूं मैं, एक सवाल और उसका जवाब पेश करके अपनी बात को खत्म करूंगा। माइक पे बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, सारी दुनिया में तेजी से फैल रहा है इस्लाम। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लॉयर्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं, फिलासफर्स इस्लाम कबूल कर रहे हैं, साइंसदान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हुकूमतों से ताल्लुक रखने वाले इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर, बगैर किसी लालच के दुनिया की तमाम कौमें अपनी दीन की तबलीग कर रही हैं। एक ही कौम दीन की तबलीग नहीं करती, वो है यहूदियत। उत्तर बचत जितने कौमें हैं सबके सब दीन की तबलीग कर रहे हैं। मालूम है आपको, ईसाइयत दीन की तबलीग कर रहे हैं, हिंदुइज्म दीन की तबलीग कर रहे हैं, दूसरी तमाम कौमें दीन की तबलीग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत तबलीग तो हमारी पहचान है, हमारे पास दावत व तबलीग का निजाम है, सिस्टम है हमारे पास दावत व तबलीग का। दुनिया की दूसरी कौमें भी दावत व तबलीग कर रही हैं अपने दीन की, सिस्टम अलग, तरीका अलग। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया की जितनी कौमें अपने धर्म की दावत दे रहे हैं, साथ में लालच भी, हमारे धर्म में आ जाओ हम पैसा देंगे, हमारे धर्म में आ जाओ हम तुमको नौकरी देंगे, हमारे धर्म में आ जाओ हमारे कौम की खूबसूरत लड़की के साथ तुम्हारा निकाह करके रखेंगे, हमारे धर्म में आ जाओ तुम्हारी जरूरत पूरी की जाएगी, तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन पूरा किया जाएगा, तुम्हारे घर की तामीर की जाएगी। सारी दुनिया के अंदर यही लालच है। खुदा की कसम एक ही धर्म ऐसा है जो दावत तो देता है, लालच नहीं देता। दावत देता है,
इस्लाम कबूल करो। क्या देंगे? कुछ नहीं। हमारी दावत से तुमको जो इस्लाम मिल रहा है नहीं, यही सबसे बड़ा हमारे तरफ से गिफ्ट है। समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तू भी हलाओ बा, ऐसा घूर ले को ही तुम लगा, तुम ना देखो मंजे डर हो रहा है। आ? भाई कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, क्या मिलेगा हमको? हमारी दावत से तुमको जो इस्लाम मिल रहा है ना, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हमारी दावत से तुमको जो ईमान मिल रहा है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हमारी दावत से खुदा की जो मारिफत मिल रही है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। हमारी तरफ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत और कॉन्टैक्ट मजबूत हो रहा है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये तो दुनिया के तोहफे हैं। तुम जरा कलमा पढ़ लो, मर कर तो देखो कि इसका और क्या हदिया मिलने वाला है। तुम्हारी खबर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। हशर के मैदान का टेंशन दूर हो जाएगा। रब्बुल इज्जत उसके और उसके हबीब के मानने वाले बंदों को जन्नत में दाखिल करेंगे। जन्नत मालूम? अरे मालूम जन्नत जिंदगी में है नहीं है? एक नौजवान मुझे फोन करके पूछ गया, वो भी रात के 11:30 बजे, एक सवाल करना हजरत तुम्हारे से। मैं को सोचा इन्हें क्या करता कि ना सवाल इन्हें, वो भी बड़ी अहमियत से पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। खैरियत के हजरत? अल्लाह का फजल में तुम्हारा आशिक हजरत, आई लव यू। अब आशिक का तो मैं क्या बोलूँ, तुमने बहुत लीक कर तू हजरत, शुक्रिया बा। पहचाने क्या हजरत? नहीं ना बा। वो हजरत ताकरात में मुसाफा करा नहीं, 10,000 कर रही उसमें, इसे मैं कहाँ याद रखू। क्या भी नहीं हजरत, एक सवाल पूछना है। पूछ हजरत, मैं जन्नत देखूं? मैं भी तुम सन्नाटे में क्या रही, मैं जन्नत देखूं बोलकर बोल रहा है। मैं बोला तू भी देख मंजे भी दिखा। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह औलिया में से एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, फरमाते हैं कि मैंने 30 साल ऐसी नमाज पढ़ी, तकबीर बांधता, अल्लाह ताला मुसल्ले में जन्नत पेश कर देते। हमें बदले नहीं सो कहीं को मालूम, हमारे नमाजा बराबर नहीं। सही बात। हमारे से खड़कर मूतने वाला डरता क्यों नहीं? हमारे सजदे बराबर नहीं। खुदा का वादा है, तुझे कुछ करना नहीं मेरे बंदे, तू खाली मेरे सामने सर झुका दे, सारी दुनिया को मैं तेरे सामने झुका दूंगा। मुसलमानों, जिंदगी के मुसलमानों, आवाज जहां तक जाती है इस दर्द को लेकर जाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। ये तकरीर नहीं, ये वाज नहीं, ये बयान नहीं, ये मेरा तजुर्बा नहीं। खुदा की कसम, इस वक्त का मर्ज पेश कर रहा हूं। जिम्मेदारों को भी सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बूढ़ों को भी सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नौजवानों को भी सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वरना हमारे परेशान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे परेशान होने का तो सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए कि उनके पास हुकूमत, उनके पास डिपार्टमेंट, उनके पास मुल्क, उनके पास मिलती है। रब्बे काबा की कसम, हम भी कुछ नहीं, हमारे पास तो खुदा है। खुदा है हमारे पास। नौजवानों सुनो, तुम अगर बदल गए ना हालात बदल गए। अब बूढ़ों से कुछ नहीं होगा सिवाय उनके दुआओं के। बैठे ही कि नहीं बैठे ही नौजवाना? अरे बोलो बैठे ही। हाथ जरा उठाओ देख तू।
माशाल्लाह पूरे उठा दे ले बूढ़े कौन मैं क्या ठीक है तो जवानी का सवाल करेंगे तो बूढ़ा भी जवान होता है बुढ़ापे का सवाल करेंगे तो जवाब ही नहीं आता। तुम जवान ना भी हो बूढ़े भी हो गए, रब्बे काबा की कसम अमल अपने अंदर पैदा कर लो, दुश्मनों के निगाहों में तुम 30 साल के जवान नजर आओ। मुसलमान उम्र में बूढ़ा होगा, जज्बे में बूढ़ा नहीं होता। मुसलमान अमल में बूढ़ा होगा, इरादों में बूढ़ा नहीं होता। मुसलमान उम्र में बूढ़ा हो सकता है, हौसलों और हिम्मतों में बूढ़ा नहीं होता। ये जज्बा नहीं, ये हकीकत है। दुश्मन का जवान भी हमारे बूढ़े के मुकाबले में आ नहीं सकता, इसलिए कि उन्हें बादम पिस्ता हार्लिक्स खा कर आता है, ये बूढ़ा खुदा का नाम लेकर जाता है। नौजवानों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बहुत कम वक्त है, चारों तरफ से हम लोग नरगे में हैं, चारों तरफ से हम लोग नरगे में हैं। तुम्हें जागना पड़ेगा, पटरी बदलना पड़ेगा, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे सहाबा बने, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे ताबिईन बने, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तबे ताबिईन बने, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे मुजाहिदीन बने। वो हौसले, वो जज्बे, वो तमन्नाएं, वो शौक तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जो शुहदा के दिलों में जज्बे, हौसले और तमन्नाएं थी, रब्बे काबा की कसम तुम बन जाओ। ये अल्फाज नहीं मुझे बार बार कहना पड़ता है, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। आज भी खुदा तुमसे वो काम लेगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी से काम लिया, आज भी तुमसे खुदा वो काम लेगा जो मोहम्मद बिन कासिम से लेगा, आज भी खुदा तुमसे वो काम लेगा जो टीपू सुल्तान से लेगा। अल्लाह के काम लेने की एक ही शर्त है, बंदा उसका है कि नहीं है। पहले खुदा ये देखते हैं, जब अल्लाह तबारक व ताला देख लेते हैं ये बंदा मेरा है, वो किसी दौर में किसी भी नाम का क्यों ना हो, अल्लाह ताला उससे अपने दीन का काम लेते हैं। आज तुम्हें एहसास भी है नौजवानों कि तुमसे तुम्हारे घर का काम, दुकान का काम, फैक्ट्री का काम सब हो रहा है, दीन का काम कुछ हो रहा है तुमसे? हाँ, तुम्हारे दुकानों का काम हो रहा है तुमसे, तुम्हारे बीवी बच्चों का काम तुम्हारे से हो रहा है, तुम्हारे फैक्ट्रियों का काम तुमसे हो रहा है, तुम्हारे पार्टियों का काम तुम्हारे से हो रहा है। बताओ, सीने में हाथ रखकर अल्लाह के घर में बैठकर इस आजिज और गुनहगार के सवाल का जवाब दो, क्या काम तुमसे दीन का हो रहा है? दीन का काम तुम करते नहीं, दीन का काम तुम्हारे से होता नहीं, और सुबह शाम तुम उलमा से ये सवाल करते हो कि हजरत हालात कब बदलेंगे, हालात कब बदलेंगे, हालात कब बदलेंगे? मेरे भाई, पहले तू बदल, इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। हालात बदलने के लिए महीनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं, हालात बदलने के लिए साल और सदियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। 7:50 हो रहे हैं, अब तू बदल जा, 50 पर 5 मिनट में हालात बदल जाएंगे। तू बदलने तैयार नहीं, तेरा ईमान मजबूत नहीं, तेरी नमाज अच्छी नहीं, तेरे रोजे अच्छे नहीं, तुझे जकात अदा करना मुश्किल है तेरे पास दौलत, तू हज को जाने के लिए तैयार नहीं, उम्रे को जाने के लिए तैयार नहीं, तेरे पास दो दो मोबाइल हैं, ये उम्रा तू कर सकता है, करने के लिए तू तैयार नहीं। मेरे नौजवान, तू नाम तो अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत का रख लिया, सहाबा का रख लिया, कान पकड़ता हूं, छेड़ने नहीं आया, तुझे जगाने आया हूं, तुझे कुरान तक पढ़ना नहीं आता, खुदा तुझसे क्या काम लेंगे?
सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, सूरह इखलास पढ़ना नहीं आता, जिस नबी के सदके हमको ये दीन मिला, जिस नबी के सदके हमको मारिफत खुदावंदी मिली, जिस नबी के सदके हमको कुरान मिला, जिस नबी के सदके हमको हर नेमतें मिली, यहां तक कि जन्नत भी मिलेगी हमारे अमल से नहीं, नबी के सदके से मिलेगी, उस नबी पर दुरूद पढ़ना नहीं आता। क्या आता है? किस गुनाह को तू खत्म किया बता, किस गुनाह को तू रोका बता, किस गुनाह के सामने सीसा पिलाई हुई तरह दीवार की तरह तू खड़ा बता। तुझे रोने की जरूरत नहीं मोदी पर, तुझे रोने की जरूरत नहीं अमित शाह पर, एक करोड़ अमित शाह मिला दे लेकिन एक फिरौन के बराबर नहीं, एक करोड़ मोदी मिला दे एक फिरौन के मुकाबले में नहीं, हमने तो वक्त के फिरौनों से मुकाबला किया है, इनकी औकात ही क्या। अगर फिरौन उठता है तो मूसा का असा बन जा। अरे सामने टीम ना हो, हजार रन बना को फायदा क्या? क्या हाजी साहब, मैं जरा क्रिकेट के मिसाल देता हूं क्योंकि तो मैं भी क्रिकेट का शौकीन। समझ में आई बात है? मदरसे में खेले नहीं खेले हम लोग? खेले नहीं खेले मौलाना? खरीब तक भी जाता था खेलने में प्रोग्राम, नहीं तो ये मोबाइल में आए ना कैमरे, उसके हाथ से जाना छोड़ डालिया। ये तो जाते थे और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, धोनी भी परेशान हो जाना। देखो हाफिज उस्मान साहब भी खेलते हैं मदरसे, मदरसे वाले तो आपस में खेल लेते, सो मदरसे वालों के साथ कोई कॉलेज वाला खेलता नहीं। हमें बुलाते ग्राउंड को गए तो आओ बा खेलेंगे, आओ बा खे, जाओ मौली साहब तुम लगा सब पढ़ को खेलते सो। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग का वक्त आया, इन्ना लिल्लाह बोल, मैं बोलता पढ़ते नहीं बा हमें क्या भी, फिर भी हमारा शॉर्ट फोर की बनता मालूम, ये मदरसे की दाल का पावर है। पढ़े बगैर मारते बाउंड्री से बाहर बाल, पढ़ को मारेंगे तो कंट्री से बाहर बाल। मुखाबिल अगर कोई हो मत डरो, डरोनों को डरने वाली कौम नहीं है, हमें मौत से नहीं डरते ना, ये घुग्गुआ से डरते। हमें मौत से डरते, और ये बात साबित हो गई इस जमीन में अगर कोई मौत से नहीं डरता तो वो मुसलमान कब साबित हुई? कोरोना के लॉकडाउन में साबित हुई। दूसरी तमाम कौमें जिनमें से किसी का बाप मर गया तो बेटा नहीं गया, माँ मर गया तो बेटा नहीं गया, दोस्त मर गया तो दोस्त नहीं गया, खुद का बेटा मर गया, बीबी एमपी और कारपोरेशन को फोन करके दफनाने और जलाने के लिए बोल दिए। खुदा की कसम गए तो मोहम्मद के गुलाम गए। हमें मौत से डरते नहीं, मौत से जो आदमी डरता नहीं उसे तो किसका भी डर नहीं होना। डरोनों को खाली अमल पैदा करो, खाली अमल पैदा करो। किस गुनाह को तुमने रोका? तुम दूसरों का गुनाह क्या रोकोगे? जो गुनाह तुम्हारे अंदर है उसे आज तक नहीं रोक सके तुम। आई बात समझ में नौजवानों?
तुम दूसरों का गुनाह, दीन क्या, दीन दो हिस्सों का नाम, दो काम का नाम, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ किसे बोलते, नमाज पढ़ना, नहीं अनिल मुनकर किसे बोलते, शराब नहीं पीना। पॉजिटिव पॉइंट को अमर बिल मारूफ, नेगेटिव पॉइंट को नहीं अनिल मुनकर। तुम दूसरों का गुना क्या रोकोगे साहब, तुम दूसरों का गुनाह क्या रोकोगे, खुद के अंदर है सो गुनाह का मुकाबला करने की तुम्हारे पास ऐ नौजवानों ताकत नहीं है। सुल्तान मुराद एक बादशाह गुजरिया है, क्या नाम, सुल्तान मुराद। माइक से बात गई, अजान से बात गई नहीं, ये जहन में रखो, आ तू इंशाल्लाह ये जरूर बोल को जा, तू की कहते सभा को नवा सिस्टम आ जाना है, यहाँ देखो इंशाल्लाह का पावर कितना डाउन है, देखो सुल्तान मुराद, क्या नाम, सुल्तान मुराद बादशाह था, टू इन वन था। टू इन वन का मतलब क्या, उसके एक रुख का नाम बादशाहत थी तो दूसरे रुख का नाम विलायत थी। हमारे जितने भी बादशाहान गुजरे हैं ना, गुनाह को रोकने की बात पर वाकिया पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो नौजवानों, फिर सभा परसों आपको पूछा तो ये वाकिया बोलना, बोलेंगे बोला तो ही क्या, बोलिए देखो कोसे की गांव में बोले कहते मुजम कौन बारी से बयान को बताओ, मुजम्मिल साहब कौन, वो डेंजर मोली साहब वो तवज्जो से सुनो, सियासत इलेक्शन सिलेक्शन सब बाद में, पहले ईमान नमाज रोजा जकात हज हलाल हराम ये तमाम चीजों को मजबूत करो, ऑटोमेटिक वो मजबूत हो जाता। हुकूमत ला को ऐसा देंगे उन्हों अगर हमें बन गए तो, जैसे जवई को गिफ्ट सास ससरे देते हैं। समझ में आई बात, हमारे कौम के कुछ बड़े लोग अभी नमाजों को छोड़ डाले, रोजों को छोड़ डाले, जकातों को छोड़ डाले, हज को छोड़ डाले, मस्जिदों की आबादी की फिक्र नहीं, मदरसों की आबादी की फिक्र नहीं, मुसलमाना मुत्तहिद हो जाना, मुसलमाना मुत्तहिद हो जाना, सियासत में मुत्तहिद होगे तो कामयाब होंगे, नहीं अगर नमाज के बगैर क्या खाक सियासत में मुत्तहिद है, सुन्नत के बगैर क्या इत्तेहाद, तिलावत के बगैर क्या इत्तेहाद, ये मैं नहीं कुरान कहता है, सूरह तौबा दसवां पारा हाफिजी कुरान का निसाब दूसरा सफा उठा कर देखो, वअतीउल्लाहा वरसूलहु वला तनाज़ऊ, पहले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बाद में इत्तेहाद। और एक बात याद रखो, मेरा सियासत में भी गहरा मुताला है, तुम्हें क्या मुत्तफिक होगे तो भी मेजॉरिटी उनकी 600, तुम्हें हमें क्या मुत्तफिक होगे तो भी मेजॉरिटी, इलेक्शन से हमें वहां पहुंचना नहीं, ऐसा ईमान बनाओ कि सिलेक्शन से पहुंचे। इलेक्शन से वहां पहुंचने का रास्ता नहीं साहब, इस जुमले पर मुनाजरा करने के लिए तैयार। हमारे हर हलके को तोड़ दिए, क्या इत्तेहाद, हर कॉन्स्टिट्यूटी को तोड़ दिए, क्या इत्तेहाद, वोटर लिस्ट में नाम गायब कर दिए, क्या इत्तेहाद। हदीस के इशारे समझो, जिहालत पेश न करो, अब आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला वहां हम ही पहुंचेंगे, रास्ता इलेक्शन का नहीं होगा, सिलेक्शन का होगा। इलेक्शन के रास्ते से पहुंचने की कोशिश,
ये हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। बस ईमान बना लो, आमाल पूरे करो, गुनाहों से बचो, इंशाल्लाह ताला सुम्मा इंशाल्लाह सारी दुनिया से आवाज आएगी। क्या इस हमारे मुल्क की बात, सारी दुनिया का निजाम हमारे हाथ में आने वाला है। ये कुरान का इशारा बता रहा हूं, उलमा बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, अहले दिल अहले सफा बैठे हुए हैं, बशारत दे रहा हूं। एक मुल्क की क्या फिक्र कर रहे हो, बस अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ, सारी दुनिया का निजाम इंशाल्लाह हमारे हाथ में आने वाला है। सारी दुनिया का, क्या हमारे मुल्क भारत महान की बात करते हो, अमेरिका का निजाम हमारे हाथ में आने वाला है, जापान और चाइना का निजाम हमारे हाथ में आने वाला है, फ्रांस का निजाम हमारे हाथ में आने वाला है, स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड का निजाम हमारे हाथ में आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का निजाम हमारे हाथ में आने वाला है, इंशाल्लाह ताला सुम्मा इंशाल्लाह। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे नबी का फरमान झूठा हो नहीं सकता। सुनो गौर से, हमारे जितने भी बादशाहान गुजरे ही ना, अल्लाह ने उनको दो नेमतें अता की, एक बादशाहत दूसरा विलायत। हजरत बाबर बादशाह भी थे, अल्लाह के वली भी। हजरत हुमायूं बादशाह भी थे, अल्लाह के वली। हजरत औरंगजेब बादशाह भी थे, अल्लाह के वली। शाहजहां हजरत कौन, एक पॉइंट बताता हूं सुनो, लेट होगा तो मुझे कार में भेजना बेंगलुरु। माशाल्लाह माशाल्लाह, चंद दिन पहले तक भी ये सोच रहे थे हम कि हमारे बादशाहान ये कुतुब मीनार कहीं को बनाए, गोल गुम्बद कहीं को बनाए, ताजमहल कहीं को बनाए, चार मीनार कहीं को बनाए, कितने पैसे खर्चा करें ना, बोल को दिल में एक बात थी। तुम्हारे दिल में थी कि नहीं थी? कि हमारे दिल में तो थी। ताजमहल बनाना क्या मामूली बात क्या? अंकल को बोलो और एक पार्लियामेंट बना रही ना, और एक ताजमहल बनाओ, हिम्मत रही तो बनो। ताजमहल बनाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, 560 इंच का होना। अंकल को बोलो कुतुब मीनार बनाओ, बोल को बोलो अंकल को, है पवार लाल किला बनाने का। कितनी दौलत थी रंगी हमारे मुल्क में, कई को बनाए कई को बनाए, ये जहन में था। लेकिन तहज्जुद में दिल से दुआ निकलती इन बादशाहों के लिए, इन्हों चुपके नहीं बनाए, आने वाला दौर पर इनकी नजरें थी। ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये गोल गुम्बद, ये चार मीनार, ये लाल किला, ये फुला और फुला अगर हमें नहीं बनाएंगे, आने वाले दौर में ये जालिम साफ साफ कह देंगे कि ये मुल्क में तुम्हारा क्या, तुम्हारे बड़ों का भी कोई हक नहीं था। आने वाले दौर में कुछ कमीने हमारी खौम से एनआरसी पूछेंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट हो के ना हो, ये ताजमहल ही इनका डॉक्यूमेंट है, ये गोल गुम्बद इनका डॉक्यूमेंट है, ये चार मीनार इनका डॉक्यूमेंट है, ये लाल किला इनके डॉक्यूमेंट है। ये शौक में आकर ताजमहल नहीं बनाए, ये शौक में आकर गोल गुम्बद नहीं बनाए, ये शौक में आकर कुतुब मीनार नहीं बनाए,
ये अपने इल्म को भी दिखाए, अपने फन को भी दिखाए, आने वाले दौर में अपने कौम की हिफाजत का सामान बनाए। हजरत शाहजहां मामूली नहीं, अहले सुन्नत वल जमात पक्के। उनकी बीवी मुमताज शिया थी, निकाह जायज था। शिया थी, निकाह जायज। जायज बोल को बोले तो तुम्हें ढूंढने को फिरो को। ये बारीक मसला बताना है तो टेंशन बन जाए। हजरत बोल डाले जायज का को बोल को, हाई सो खानदान में बच्चियों को शादी करो। हाँ, तुम्हारे खानदान में ही सो, तुम्हारे खाला के बच्चियां, मामू के बच्चियां, चिच्चा के बच्चियां, उनको ही सो शादी करो। हजरत तुम्हारे सकत मौली साहब के बयान में सुनिया सो, रिश्ते हमें बनाते नहीं अल्लाह बनाती मुल्क, उसके हस्ते मेरे बेटे का रिश्ता बेंगलुरु में लगा सो। अपने पूरे ख्वाहिशात तकदीर में दाल को बच रहा है। हाँ? सगी भान की बेटियां है, जवान है, खूबसूरत है, लायक निकाह है, बहैसियत मामू के आज भी चाहती है। अपने बेटे की शादी का वक्त आता है तो वो भान का घर नजर नहीं आता। ये है आज का मुसलमान। कितने मर्तबा खाला के गोद में मुंहता रहेगा भांजा। आज बड़ा क्या हुआ, दौलत क्या आई, वही खाला के घर में जवान बच्चियां ही नवासे नवासियों की शक्ल में, लेकिन रिश्ता नहीं। ये उन्वान ही अलग है। आ गई तो बात अर्ज कर रहा हूं, ये कलमा छोड़कर क्या है नौजवान हमारे पास। हा, ये टोपियां, ये दुपट्टे, ये दाढ़ियां, ये लिबास, सब दिखावा। ऐसे धोखे में हमने अच्छे अच्छे मुत्तकियों को देखा है। मेरी जुबान को ब्रेक नहीं साहब, हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। मैं गए के बाद मौलाना उस्मान को पकड़ लियो, क्या नाम, अशफाक, अशफाक को पकड़ लियो, इतने बड़े हिंदुस्तान में ये पोटच का दिखा सो बोलकर। मैं यहां बैठ गया तो मुझे किसका मकाम, किसका मर्तबा, किसका ओहदा, कोई रिश्ता नजर इच नहीं आता, जो है। इतने बड़े बड़े दाढ़ियां रखकर हमने जमाने को धोखा दिया कि नहीं दिया, तहज्जुदा पढ़कर धोखा दिए कि नहीं दिए, टोपियां तो टोपियां, नौ नौ गज के पगड़ियां बनकर धोखा दिए कि नहीं दिए, कुरान पढ़े कि नहीं पढ़े खोल कर रख कर धोखा दिए कि नहीं दिए हैं, अपने तकवे और तहारत दिखाकर धोखा दिए कि नहीं दिए हैं। शादियां तो बाहर जाकर करते हो, खानदान नजर नहीं आया, गांव नजर नहीं आया, शहर नजर नहीं आया, अपना खबीला नजर नहीं आया। कभी पर्सनल बैठ हकीकत बता दूं मैं आपको, जायज है अलग बात है, लेकिन शाहजहां रहमतुल्लाही अलैह मुमताज से और एक वाकया बीच में आ गया। सुल्तान मुराद के बान पर उस जमाने के हमारे पूरे बादशाहान अल्लाह के औलिया, नामा लिए तो भी अदब से लियो, ये हाथ में सिगरेट, ये हाथ में चा, नहीं नहीं ये हाथ में सिगरेट, ये हाथ में चा पीरा। बाँ टीपू सुल्तान कते जबरदस्त, कते शेर को मारे, कते टीपू सुल्तान कते ऐसा, टीपू सुल्तान का नाम दस मरतबा लेता गोया के टीपू सुल्तान इनके चिच्चा। हजरत
टीपू सुल्तान रहमतुल्लाही अलैह, आ रहा है 15 अगस्त, दिल खोल कर नाम लो हजरत बाबर का, दिल खोल कर नाम लो हजरत हुमायूं का, दिल खोल कर नाम लो हजरत शाहजहां का, दिल खोल कर नाम लो हजरत औरंगजेब का, हजरत बहादुर शाह जफर का, हजरत इमदादुल्ला मुहाजिर का, हजरत कासिम नानोतवी का, रशीद अहमद गंगोही का, फजल हक कैराबादी का, हाफिज जामिन शहीद का, अल्तफर थाने सरी का, ये हमारे बुजुर्गा इनू मुल्क को आज़ाद करे सो। एक जगह 15 अगस्त को गया तो तकरीर कर लगा, कहूँ चीटी आ रही है हजरत, जरा इन लोगों के भी नामा लियो हजरत कबूल करा रहा है। अढ़ाई सौ साल की लिख को रख लियो, तारीख तुम्हारे पास नहीं, तारीख हमारे पास है, हिस्ट्री तुम्हारे पास नहीं, हिस्ट्री हमारे पास है। टोटल 250 साल की जंग आजादी में तन्हा 200 साल मैदान में सिर्फ मुसलमान रहा, दूसरी कोई कौम नहीं रही। आज बोलते ये मुल्क हमारा तुम्हारा नहीं, पहले भी हमारा था, अब भी हमारा है, आइंदा भी हमारा रहेगा। हर वक्त हमी साहिबे दस्तार रहेंगे, सरदार थे सरदार हैं सरदार रहेंगे। बादशाह सेहतमंद रहा तो भी बादशाह, बीमार पड़ गया तो भी बादशाह। इस वक्त हमें जरा बीमार चल रही, यही बात है। मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ, इलेक्शन से मंजिल तक पहुँचने का इंतज़ार मत करो, सिलेक्शन का दौर आएगा। बाबर रहमतुल्लाह अलैह कौन से इलेक्शन में पास होकर गए, हुमायूं कौन से इलेक्शन में पास होकर गए, शाहजहां कौन से इलेक्शन में पास होकर गए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कौन से इलेक्शन में पास होकर गए। हमको मंजिल तक पहुँचने के लिए बंदों के इंतखाब की ज़रूरत नहीं, खुदा के इंतखाब की ज़रूरत है। बंदों के इंतखाब की ज़रूरत क्या, बंदे कौन की बोले हजरत तुम्हें खड़ जाओ हजरत इलेक्शन में, वे बोला पहले तू गारंटी दे तू डालता क्या वोट बोल। क्या सर, पहले तू गारंटी दे तू डालता क्या। आहा नौजवाना, मैं उलमा से गुजारिश करना चाहता हूँ, बार बार इनको लेकर बैठो, आड़ी अम्बावास को एक जलसे की जरूरत नहीं, हर महीना मजलिसे मुनाकिद करो, उन्वान तय करो, बिठाओ इनके बंद ताले खोलो, अंदर कुरान भरो, हदीस पढ़ भरो, नबी की सीरत भरो, सहाबा की जिंदगियां भरो, मैदान बदर भरो, मैदान ओहद भरो, मैदान हुनैन भरो, तबूक भरो, हमारे मुल्क की तारीख भरो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हम बदल गए, हमारे अंदर इंकलाब आ गया तो आ गए हालात इंशाअल्लाह। शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह शिया से शादी करे जमाने में था, एक दिन रात को महल के ऊपर चांद की 14-15 का तारीख थी, ऊपर बैठे थे मियां बीवी, मोहब्बत का माहौल था, मियां बीवी मोहब्बत का माहौल, गलत क्या, देखो क्या जल्दी नहीं करेंगे, मियां बीवी मोहब्बत का माहौल क्या गलत है, आज निकाह नहीं होकर मोहब्बत के माहौल को सही समझ रहा है मुसलमान। मियाँ बीवी मोहब्बत के माहौल में बैठे हुए हैं, मोहब्बत का गलत इस्तेमाल न कर नौजवान, वक्त आ
वक्त आएगा तुझे मोहब्बत के पीछे पड़ना नहीं, जब वक्त आएगा तो मोहब्बत तेरे पीछे पड़ेगी। दीवाना उठिया मलिदा कुटिया इंस्टाग्राम में है कत ने तलाश कर रहा है, वक्त आता रे बाबा मोहब्बत तुझे ढूंढ कर आती। मोहब्बत अर्श के नीचे रहने वाले खजानों में से खजाना है, इसका गलत इस्तेमाल न कर, इसका सही इस्तेमाल कर। हर नौजवान मोहब्बत में पड़ा हुआ है। जरा देव जी मोबाइल मेरा नेटवर्क नहीं है, जरा देव नहीं देता, हरगिज नहीं देता। नहीं बोलो हजरत नंबर मैं लगा को देता हूं। की कहते हो इसका तखवा मोबाइल में अटक को है ना, क्या हाजी साहब? तौबा कर गलत मोहब्बत से, तौबा कर। इन तमाम चीजों के पीछे पड़ा है, इसीलिए तेरे से कोई कम दिन का नहीं हो रहा है। मेरे पास वक्त नहीं, मौका नहीं, उन्वान खुलता जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह उलमा आपके सामने बयान करेंगे। मोहब्बत की हिफाजत कर। व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम तलाश कर रहा है। आजकल के माँ बाप भी अपने जवाना से पूछ रही सो क्या क्या बा कांति भी देखा कि नहीं, देखना की पूछ रही बा। कांति भी देखा कि देखना की, ऐसे बाप को भी डुबको मरना, ऐसे बच्चे को भी जहर डालना। ये बड़े बुजुर्ग बैठे ही, पूछ कर देखो इनको मशवरा करे क्या इनके, हम ना भी नहीं। ऐसा शर्माते थे आज से 30-40 साल पहले, लड़के भी शादी की बात सुनकर जैसे लड़कियां शर्माती थी। जर्रा एक छोटी हिम्मत क्या थी मालूम क्या, लड़कियां तो किसी को नहीं पूछते थे, लड़के है ना छोटे छोटे बच्चों से पूछते, जा रहे जरा अम्मा क्या बात करती सुन लगा, अब्बा क्या बोल रही देख लगा, दादा को देख लगा सुन लगा, तुझे एक दो रुपये देता हूँ, एक रुपया देता हूँ, आठ आने देता हूँ, चार आने देता हूँ। वो छोटा जासूस भी जाता अम्मी के पास बैठे से, कहा बेटा आको बोलता मामा मामा काकी बोल रही तुम्हारी शादी कब है, खुश हो जाको पैसे दे आता है। ये जिसका इंस्टाग्राम ये जिसका आज का क्या दौर है, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, कलबों में अंधेरा है, सड़कों पे उजाला है। इस दौरे तरक्की पर सहाबा तो थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, तौबा करो तौबा, खस्मा खा रहा है सो सब छोड़ा था कहते उसे छोड़ता नहीं कहते। अम्मा को छोड़ालता कहते जिसने 9 महीने पेट में रखी, ये तेरा तेरी वफा, 2 साल जो दूध पिलाई उसे छोड़ने का, तेरी शर्मगाह को बगैर किसी दिल को छोटा किए हाथ लगा कर तेरी नजासत पाक करी उसे छोड़ने का फैसला। अल्लाह हू अकबर। 2 साल की पुट्टी को देखकर वो बाप तेरे आरजू अरमानों को पूरा करने के लिए अंदर के पसीने खून को पसीना बहाकर बाहर निकाल कर मेहनत करके आज मेरा बच्चा कार पूछिया ना बोलकर 4 वक्त की चा के पैसे बच्चा को ले लेकर आया, आज वो बाप को धोखा दे रहा है। नौजवान तो क्या मुल्क चलाने के लायक होगा, बैलगाड़ी भी चलाने के लायक नहीं। जाग जा, तेरे जागने का सारी कायनात को इंतजार है।
जाग जा ए मुसलमान, सवेरा हुआ। सोने वाली कौमें उठ गई, उठाने वाली कौम सो रही है। जाग जा ए मुसलमान, सवेरा हुआ। दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ खो गया। इंशाल्लाह साहब खत्म करो, तौबा करो, तौबा करो। बेंगलुरु से आए थे मौलाना, बोल कर गए, जगा कर गए, आज मेरी अकल ठिकाने लगी। तोबा तोबा बोलकर खाली इरादा कर को सब ख़त्म करो। उन्हें क्या है, उससे अच्छी बीवी का खुदा फैसला करेंगे। आ गई तो बात अर्ज करके एक दो जुमले बोलकर आगे बढ़ जाऊँ। तुम जिसके साथ मोहब्बत का चक्कर चला रहे हो, उन्हें भी तो उसके माँ बाप को धोखा दे रही है। जो अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर वफा क्या करेगी। ये एक ग्रामर काफी है तुम्हारी अकल ठिकाने लगने के लिए। ये एक ग्रामर काफी है, क्या हाजी साहब? ये एक ग्रामर काफी है तुम्हारी अकल ठिकाने लगने के लिए। जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, उनकी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत क्या करेगी। ये मोहब्बत, ये इश्क करना है अल्लाह रसूल से करो, ये तमाम चीज़ें डायरेक्ट खुदा अता करेंगे। शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी के साथ ऊपर महल में बैठे थे। 13 तारीख चांद की या 14 तारीख चांद की चांदनी, चांद भी खूबसूरत ऐसा आया। मोहब्बत का माहौल। बीवी पूछी, सरताज तुम्हें मुझे चाहती क्या? एक दूसरे पूछ ले सकते शादी के बाद, शुरू शुरू में पूछना। सो 6 बच्चे पैदा हो गए फिर भी पूछ रहा है। क्या बोला ना? शुरू शुरू में पूछना सो बस सरताज से, एक मरतबा दो मरतबा तुम्हें मुल्क से मोहब्बत करते हैं क्या? बल्कि पूछे तो होगा नहीं। कौन कौन बेटा की वज पूछता हम ना? अरे अहमका, तुम्हें हम ना क्या पूछते कि हम कितनी मोहब्बत इस मुल्क से करते हैं? इस मुल्क से पूछो कि ये ज़मीन हमसे कितनी मोहब्बत करती है। शुरू शुरू में चलता सब, तुम्हें चाहती क्या, हमें चाहती क्या, क्या की क्या किधर की, चलता ये सब अंदर के बात। ये भी बोलना कि बेगम मुमताज ने पूछा कि सरताज क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? शाहजहां ने कहा, बेगम अजीब सवाल करते हो, हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि तुम ही से मोहब्बत करते हो। क्या जल्दी समझ में आ रहा, देखो जा। हम तुमसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि तुम ही से मोहब्बत करते। ये ही आकर क्या कर डालता? पावर पैदा कर डालता। बीवी कितनी दीवानी अनपढ़ रही तो भी ये ही के ग्रामर को समझती उन्हें। ये जोड़ को बोलो सिखा तुम सीखो, तुम्हारा भाई ना बाबा मई फिक्र रखती। क्या बेगम, क्या सरताज चाहती क्या तुम्हें? कहो चाहते आप ही को चाहती, खुश हो जाती उन्हें। ये ही और भी एहतियात से इस्तेमाल करना, बजाय ही बोलने के बजाय मैं ही बोल रहा हूँ, सो गौर से सुनो। भी नहीं, ही भी नहीं। बाद में मैं बोला बोल को जाको गलत सुन लो जाको, हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं। चमचे बेलना पिलेटा की बारिश से
कितनी जाहिल रही तो भी ये ही और भी के गिरावर को जानती उन्हें। ठीक है, तो मोहब्बत का सबक फितरत में दाखिल है। मोहब्बत का सबक फितरत में दाखिल है। देर तक बात करने का मौका नहीं, तवज्जो से सुनो, याद रखो इन बातों को, अमल करो, करेंगे इंशाल्लाह। फोन आना मुझे अशफाक साहब की तरफ से कि नहीं मौलाना, हमने अब नौजवानों को बदलता देखा है। इंशाल्लाह बस सुनो, हमारे बादशाहान अल्लाह के औलिया थे, उन्हें शिया इनो सुन्नी, हजरत शाहजहां सुन्नी, मुमताज शिया, मोहब्बत करते हैं क्या? आपसे ही मोहब्बत करते हैं। तो बीवी शिया थी ना, ये हमला करी क्या? तो फिर हमारा मसलक क्यों कबूल नहीं करते? अव्वल मोहब्बत का जाल परखी, बाद में फिर हमारा मसलक क्यों, मजहब क्यों कबूल नहीं करते आप? टेक लगा कर बैठे थे हजरत शाहजहां, उठकर बैठ गए, कहने लगे जानम जान दादम, उस जमाने की जुबान फारसी हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान ईरान से लगा हुआ था, जुबान फारसी थी। आज भी तकरीबन तुम्हें 200-300 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखो, फारसी जुबान। इस मुल्क के गैर मुस्लिम भी फारसी पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, बल्कि फारसी के शायर बने। जुबान कोसी रही तो क्या साहब, जुबान कोसी रही तो क्या? शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा? जानम मेरी जान, जान दादम जान दिया, ईमान न दादम ईमान नहीं दिया। आलमगीर औरंगजेब मुत्तकी परहेज़गार, वैसे हजरत सुल्तान मुराद भी एक अल्लाह वाले थे, रात में नहीं सोते थे हजरत सुल्तान मुराद, हमारे पूरे बादशाहों का वो चाल था, रात में नहीं सोते, टेंशन रहा तो नींद नहीं आती। हमारे बादशाहों को हमेशा मुल्क और कौम का टेंशन रहता था, रात में नहीं सोते थे। हजरत उमर सोए, अबू बकर सोए, अरे रात में ना सोना ये भी तो नबी की विरासत है, नबी सोए। उस्मान गनी सोए, हजरत अली सोए, हजरत अमीर माविया सोए, राता में कौन भी नहीं सोए। अब के बादशाह ऐसा सोते ही मामा 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 उनके जोरवा डाउट में पड़ जाती हैं, है कि चलेगा कि गए तो उठाने के वास्ते 8 बजे गए तो साफ सॉरी, ऐसे साबा ही क्या यहां नहीं, हर जगह ही साहब सॉरी। लेकिन उस जमाने के साबा नहीं सोते थे। हजरत सुल्तान मुराद को भी नींद नहीं आती थी रात में, लेकिन एक रात बड़ी बेकरारी थी, गुनाहों को बंद करने पर बात कर रहा हूं, एक रात बड़ी बेकरारी थी, सुकून नहीं मिल रहा था, एक 10-15 मिनट आधा घंटा सोंगे का तो नींद भी नहीं आ रही थी सुल्तान मुराद रहमतुल्लाह अलैह को। क्या रंगी है बेकरारी, हम ना बेकरारी हो रही तो फौरन जाको ईसीजी चेक कर लेते हैं, शुगर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं। उस जमाने में ये ईसीजी बीपी शुगर गिगर क्या भी नहीं, बादशाह थे, बेकरारी थी तो समझे कि शायद मेरी रियाया में कोई बेकरार है, शायद मेरी रियाया में कोई बेकरार है। वजीर को बुलाया, माफी मांगी, अल्फाज नकल कर रहा हूं क्योंकि उसके सोने का वक्त था,
चलो शहर का एक गश्त करेंगे। किसका? शहर का एक गश्त करेंगे, भेज बदल कर, भेज बदल कर। वो जाओ जलाल के साथ नहीं, टाट गीट ओढ़ ले गिल्ले को, एक आम इंसान की तरह शहर का गश्त करेंगे। गश्त चलिए आलमपना, सीधा गए, सब सो रहे हैं। चल रहे थे रास्ते में अचानक ठोकर लगती है हजरत सुल्तान मुराद को। जैसे ही ठोकर लगी तो कपड़ों का एक थैला था, बत्ती सिलगा कर देखे तो कपड़ों के थैले के बाजू एक इंसान की लाश थी। सुनो नौजवानों, तारीख को दोहराओ, पलटाओ तारीख को। बिरयानी बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं, पूरा मसाला तैयार है। तारीख को पलटाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हर तरीका मौजूद है। लाश पड़ी, देखे एक इंसान है, मरा है। उसकी लाश के पास जाकर सुल्तान मुराद को खरार आया। एक किस्म की कैफियत सुकून की, सुल्तान मुराद ने वजीर से कहा कि शायद इसकी लाश बे यारो मददगार जो पड़ी है उसकी वजह से बेकरारी थी, खरार आया, फौरन इसे शहर ले चलो, मैं भी आता हूं साथ। ले गए, सुबह तक ये बादशाह वजीर लाश सुबह तक उसी चौराहे में बैठे रहे। सुबह की अजान हुई, नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने पहचान लिया कि सुल्तान तशरीफ लाए। पूरा गांव शहर जमा हो गया, सुल्तान सुल्तान, वो भी लिबास गिबास अजीब, फटे टाट, क्या बात है क्या बात है। सुल्तान ने रात का पूरा माजरा सुनाया। बेखरार था, गश्त में निकला, ठोकर लगी, लाश मिली, ये तो बताओ कि किसकी लाश है। गांव वालों ने कपड़ा उठाकर देखा तो बदनामे जमाना था। सुल्तान, ये तो हमारे शहर का सबसे बड़ा निकम्मा, रजील, जाओ सुल्तान, इसके लिए पूरी रात आपने गारत की और अपने आप को तकलीफ दिया, इसे कहीं फेंकने का हुक्म दे दो। इसे तो हम गुस्ल भी देना नहीं चाहते, कफन भी पहनाना नहीं चाहते। कुछ उलमा आकर फतवा तक देने लगे, इतना गलीज था सुल्तान ये, जनाजा भी इसके लिए जायज नहीं है, नमाज जनाजा जायज नहीं है। सुल्तान ने कहा गलत, एक मुसलमान है, गिरा हुआ है, बेखरार बिस्तर से इसके लाश के पास आया तो खरार निकला। नहीं सुल्तान, ये रातों में औरतों के अड्डों को जाता था, तुम्हें नहीं मालूम सुल्तान, सब गिलासों में शराब पीते थे तो ये मटके खरीदता था। सुल्तान ने कहा कि हो सकता है, लेकिन इसके जनाजे की नमाज जरूर पढ़ना है, ये हुकूमत का हुक्म है, इसके गुसल और कफन दफन का इंतजाम करो, हम भी इसके जनाजे में शरीक रहेंगे, बाद में तहकीक जारी रहेगी। अब्बासा,
क्या बोले तो भी सुनना, सही बोले तो भी सुनना, गलत बोले तो भी सुनना, क्या करना बादशाह। फर्क यह है कि अच्छे बादशाह अच्छे खानोना देते हैं, गलत बादशाह करोना आया तो प्लेटा मारो बोले ही नहीं। अब फिर आ रहा है कहते हैं दिल्ली में आगा कहते हैं 14% आगा कहते हैं, अब क्या मटके फोड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह दुआ करो अल्लाह अच्छा बादशाह दे, अच्छी जोरू दे, दौलत दे, गाड़ी दे, पूछते नहीं अच्छा बादशाह भी अल्लाह से पूछो देने वाला उन्हें। इन्हों बैठे नहीं, इनको खुदा बिठाया है, इसलिए बिठाया है इन्हों इन्हों नहीं, हमारे आमाल की तस्वीर है ये, हमारे आमाल की तस्वीर है। तुम्हें बदल जाओ इन्हों भी बदल जाते, नहीं बदले तो कम से कम शादी तो कर लेंगे। बादशाह एक कमीने, एक गर्जील, एक शराबी, एक हरामी के जनाजा, कुछ लोग जनाजा पढ़ने आए तो कुछ लोग बादशाह को देखने आए, एक लंबा मजमा लाखों का, नमाज हुई, तस्वीन हुई, बादशाह बोले कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे सीधा लेकर गए, दरवाजा खिटखिटाए, कौन सुल्तान आए, सुल्तान मेरा शौहर करया सो गलतियां को काम मुझे सजा भुगतना की बोल को उन्हें डरगी, क्या ये फुला का ही घर है जी, तुम कौन हो, मैं उसकी बीवी हूं, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, जी बात कर सकते हैं, कोई नहीं सिर्फ तुम, पूछे सुल्तान, बहना आज हम तुम्हारे शौहर के जनाजे की नमाज पढ़ाए हैं, क्योंकि जनाजे की नमाज पढ़ाने का हकदार सुल्तान ही होता है। वो सुनते ही अल्हम्दुलिल्लाह कही, कौन सुल्तान मुराद पूछे किस बात का शुक्रिया, बीबी बोली कि अल्लाह की कसम सुल्तान आज साबित हुआ कि मेरा शौहर गुनहगार नहीं अल्लाह का वली था। मेरे शौहर के जनाजे की नमाज जो आप पढ़ाए नहीं, इसकी बार बार इतला मेरा शौहर देता था, कहता कि चुप, एक वक्त वो आएगा कि मेरे जनाजे की नमाज मुल्क का सुल्तान पढ़ाएगा। जिंदगी में बोलता था सरदार सुल्तान, क्या बात है सुल्तान, असल में मेरा शौहर दुनिया के निगाहों में गुनहगार था, हकीकत में अल्लाह का वली था, दिन भर मेहनत करता था, दिन भर मेहनत करता था, कमाई के दो हिस्से करता, एक हिस्सा लाकर सीधा मुझे दे देता, कहता कि बीवी बच्चे सब तुम इसमें करो, और एक हिस्सा लेकर उसके दो हिस्से करता, सीधा एक हिस्सा लेकर औरतों के अड्डे में जाता, जाकर एक औरत का दरवाजा खिटखिटाता, उसका पूरी रात का क्या लेगी, वो कहती कि इतने दिरहम और दीनार, कहता कि ले ले पूरी रात के लिए दरवाजा बंद कर दे। फिर वापस आते आते खुदा का शुक्र अदा करता कि अल्लाह मेरी ताकत के मुताबिक मैं एक गुनाह का दरवाजा तो बंद किया। सीधा शराब के दुकान जाता, बकिया पैसों में जितनी शराब आती लेता, लाकर घर के मोहरी में उस शराब को जाय करता, अल्लाह से कहता कि इतनी शराब जितने लोग पी सकते थे उनकी शराब को ऐ अल्लाह मैंने जाय कर दिया,
रोजाना का ही अमल था मेरा, उस मेरे शौहर का, यह गुनाह का दरवाजा बंद करता था, कई शराबियों की शराब जाये करता था। मैं समझाती थी सरताज, बेकार कर रही काम तुम्हें, जमाना तुम्हारे दरवाजे के बंद करने को नहीं देख रहा है, अड्डे के जाने को देख रहा है। जमाना तुम्हारे दरवाजे के बंद करने को नहीं देख रहा है, दरवाजे को, अड्डे को जाने को देख रहा है। दुकान से लेकर जो शराब का मटका लेकर घर को आते नहीं, वो मटका जमाना देख रहा है। अब तो मुझे औरतों की मजलिस में जाते हुए भी शर्म आती है, लोग कहते हैं, शौहर से कहती है, चलो, लोग कहते हैं वो देखो हरामी की बीवी जा रही है, वो देखो शराबी की बीवी जा रही है। मैं क्या वजाहत कर सकती हूँ, दुनिया के सामने हकीकत नहीं, दुनिया के सामने जाहिर था, दुनिया के सामने हकीकत नहीं, दुनिया के सामने जाहिर था। मैं जाती तो बाजार में सर झुका कर वापिस आती, मेरे शौहर से कहती, तुम्हारी वजह से मैं तो अब रिश्तेदारों में जाना भी मुश्किल हो गया, बाजार को जाकर सर उठाना भी मुश्किल हो गया। बार बार मेरे ताना देने से मेरा शौहर कहता, चुप, जमाने को अमल दिखाने के लिए नहीं, खुदा को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जितनी ताकत है उतना गुनाह खत्म कर रहा हूँ, मेरे इस अमल को मेरा रब जाये नहीं करेगा, चुप। जब मैं मरूंगा, मेरी बीवी कहती थी, अगर ये हालत रही तो तुम्हारे जनाजे की नमाज भी कौन भी नहीं पढ़ाएंगे। तब मेरा शौहर कहता था, चुप, अगर सुल्तान से पहले मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे जनाजा मेरा सुल्तान पढ़ाएगा। नौजवानों, अमल इसे कहते हैं, कौन सा गुना तुम रोके, कौन सा दरवाजा बंद किए। हाथ जोड़ता हूं, बंद दरवाजों को तुमने खोला, और चाहते हो कि जिब्राइल तुम्हारी मदद के लिए उतर जाए, शराब के नाम बदल कर खाए और पिए। गरीबों के घरों में भी शराब, अमीरों के घरों में भी शराब। आंखों के जिना में तो 90% मुसलमान मुब्तला है, जवान तो जवान, बूढ़े मुब्तला हैं। क्या बदलेंगे हालात, क्या बदलेंगे हालात, हमें बदलना। आप तौबा करो, आप तौबा करो। फिर भी अल्लाह का करम, आखिरी जुमले बयान कर रहा हूं, जितना जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है इतना तो दुनिया की किसी कौम पर नहीं हो रहा है। इतना जुल्म किसी और कौम पर होता तो वो कौम का नाम तक खत्म हो जाता। ये अल्लाह का करम है कि जुल्म सहकर भी हम जिंदा हैं, हमारा स्टेटस है, हमारी हैसियतें हैं। तेजी से इस्लाम फैल रहा है, तेजी से मस्जिदें बन रही, बस जर्रा मेंटेनेंस की जरूरत है। अच्छे मईका रखो, अजान पर पाबंदी नहीं, अब अजान ज्यादा हो गई, घरे घर में अजान। अब मैं जब 4 बजे 5 बजे में सफर में उतर कर, कभी कभार 4-5 बजे बेंगलुरु को उतरता हूँ, 4:30-5:30 बजे उतरता हूँ, ऑटो से उतर कर जब चले कर जाता हूँ घर तक, और घर के अंदर अजान की आवाज़ आ रही। तुम्हें भी फजर की अजान अपने घर में दो, लेकिन पहले सीख लो, सीखे बगैर अजान देना जोरू डर को उठ जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या जो होगा, मुजम्मिल साहब बोले, पहले अजान सीखो। सच्ची अजानें, सही अजानें, अच्छे माइक के जरिए से जमाने के सामने पेश करते ना। हा, रोकते हो लगा आ जाती है भी। हमारे अजाना में दो चीजें भी बराबर नहीं, मौजन साहब भी बराबर नहीं, माइक भी बराबर नहीं। मौजन साहब दाता नहीं, बैलेंस से अजान दे रही, माइक जरा अच्छा सिस्टम ले हो, मस्जिदा में जाकर दे, अल्लाह दिया है तो तुम ना उसमें रती एक को रखो,
अजान एकदम लंबी भी देवनों को खींच को कहां चल जाता कि इन्हें डर हो रहा है। शटन स्वीट अजान देना, मजा आ जाना। अच्छी तनख्वाह दो, नौजवान मुअज्जिना को रखो, तनख्वाह 60-70 हजार रुपए दो। माँ सदर साहेबा का दम झाको आ रहा है, 50 हजार घूमती भी बैठे रहे तो काज करते ही बंदे। देना इमामा को मजाना को तनख्वाह अच्छी देना, 60-70 हजार रुपए तनख्वाह। देखो माइक सिस्टम अच्छा रख दाल को। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर मुस्लिमा सोचेंगे इतनी प्यारी आवाज इतना प्यारा अंदाज आखिर हमारे मंदिर से क्यों नहीं आ रही है। सही बात सही बात। वो मैक को वो मोदन साहब को मां 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 मा। हमारे अब्बा बोले सका अजान का जनाजा उठा रहा है ना रे बाबा। अल्लाह का नाम प्यारा लो, अकबर सही बोलो, अकबर 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 दो गलत। सिको अजान है, माइक सिस्टम अच्छा रखो, बदल जाओ, बदलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के हो जाओ, नबी के हो जाओ, कुरान के हो जाओ, खुदा के सामने सर झुका दो इंशाल्लाह। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अब सर कटाने का भी नहीं, सिर्फ सर झुकाने का वक्त है, पहले झुकाओ। सहाबा अल्लाह के सामने पहले सर झुकाए, बहुत कम गर्दनें कटी, इनकलाब आया। झुकाओ, ये जो मजमा है नहीं, हर वक्त की नमाज में ऐसा मजमा रहना। जलसों में मजमा मस्जिदा भरे तो क्या भी नहीं, हर वक्त की नमाज में वो मजमा रहना। नमाजा सीखो, कुरान सीखो, बोलो इंशाल्लाह, जिक्र करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दुरूद पढ़ो, दाढ़ियाँ रखो, टोपियाँ पहनो, सच बोलो, एक रोटी हलाल की खाओ, बीवी बच्चों को माँ बाप को खिलाओ, इसी में अल्लाह कामयाबी रखी। उसके बाद हमें सहाबा जैसे अबू बकर उमर उस्मान तो नहीं ना, हमें तो उनके गुलामों के 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 गुलाम हमें। अल्लाह बोलेंगे कि ऐ जिब्राइल जा, मेरा बंदा माजूर कमजोर है, मैदान में है, दुश्मन पूरी ताकत से आया है, अल्लाह हमना घर में बिठाएंगे, हमारी शक्ल के फरिश्ते उतारेंगे, उन्हों लड़ेंगे, नाम हमारा होगा इंशाल्लाह। लेकिन बदलना पड़ेगा, बदलेंगे इंशाल्लाह। सच में दिल से कह रहा हूँ, बहुत नाजुक हालात हैं, बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी बदले, आपको भी बदले। अल्लाह ताला पूरी उम्मत पर रहम का करम का मामला फरमाए। पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करो, इज्जत आबरू के लिए दुआ करो, हिफाजत के लिए दुआ करो। इंशाल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कुरान क्या कह रहा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम हमारे रसूलों की भी मदद करेंगे, ईमान वालों की भी मदद करेंगे। कहाँ, फिल हयाति दुनिया, दुनिया में भी, वयौमा यकूमुल अशहाद, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता